स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। खबरों में बढ़ते आगे, कुजू ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस हिरासत में 3 लोग लिए गए, अवैध कागजात बनाकर कर रहे थे कोयले का काला कारोबार। स्कॉलरशिप कोयला और जेएसएमडीसी के लिंकेज के लिए आवंटित कोयले की बड़े पैमाने पर हो रही है कालाबाजारी। रोजाना करोड़ों के कोयले की हो रही है कालाबाजारी। रामगढ़, बिहार, यूपी के कई बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं कोयले की काला बाजारी का खेल, और क्षेत्र के जीएम और प्रोजेक्ट ऑफिसर की भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही है। तो इस समय की एक और ब्रेकिंग खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं हम, जानकारी फिर से देना चाहेंगे इसमें कि रामगढ़, बिहार, यूपी के कई बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे कोयले की काला बाजारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता महावीर का, हमारे साथ फोन लाइन पर है। महावीर, ये जो खबर निकली है कुजू ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस ने छापा मारा है, हिरासत में 3 लोग लिए गए हैं, जो जानकारी मिली है अभी कि अवैध कागजात बनाकर ये कोयले का काला कारोबार कर और कई बड़े कोयले के काला खेल में कारोबारी शामिल है, चाहे बिहार की बात करेंगे हम और झारखंड में रामगढ़ के कई ऐसे कारोबारी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कुछ ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस ने छापा मारा है। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार को काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे कोयला का काला खेल चल रहा है। कोयला का जो एक्सक्लूसिव कोयला होता है जो, और जेएसएमडीसी का जो कोयला होता है, उस कोयले को बड़े पैमाने पे काला बाजारी की जा रही है। आपको बतला दूं कि जो एक्सक्लूसिव कोयला होता है वो कोयला सरकारी दर पर फैक्ट्रियों को दिया जाता है उसको इस्तेमाल करके और उसको बेचने के लिए, और जो जेएसएमडीसी का कोयला है वो भी जो रेट है सीसीएल का उससे काफी कम रेट में उद्योगपतियों को दिया जाता है कि अपने निजी जो उद्योग है, छोटे मोटे उद्योग, उसको चलाएं। और उससे लेकिन ये लोग करते क्या है कि उस कोयले की कालाबाजारी करते हैं। फैक्ट्रियां बंद है लेकिन कोयले का उठाव जारी रहता है, और इसमें जो लोग मिले हुए हैं उसमें जेएसएमडीसी के अधिकारी मिले हुए हैं, सीसीएल के अधिकारी। सवाल वही है महावीर कि क्या इस तरह के काले कारोबार में, कोयले का काला कारोबार जिस पर कि बिना मिलीभगत के तो इस तरह के कारोबार बढ़ते नहीं, क्या क्षेत्र के प्रोजेक्ट ऑफिसर इस पूरे मामले में शामिल है, जनरल मैनेजर इस मामले में शामिल है, क्योंकि संदेह की सुई उनके तरफ भी घूम रही है। जी, इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे संदेह और सबसे ज्यादा जिसके लिए उंगली उठती है वो जिला उद्योग विभाग है, जिसके फील्ड इंस्पेक्टर की भूमिका काफी संदेहात्मक रहती है। जिला के जो वरीय अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये कालाबाजारी रोकने की जिम्मेवारी है वो लापरवाही बरतते हैं, और जो बंद फैक्ट्रियां हैं उनको ये चालू हालत में दिखाकर रिपोर्ट भेजते हैं कि ये फैक्ट्रियां चालू है। सवाल ये उठता है कि जब फैक्ट्रियां बंद है और वर्षों से बंद पड़ी है फैक्ट्रियां, उसके बावजूद उस फैक्ट्री के नाम पे जो कोयला उठ रहा है वो जा कहां रहा है, इसकी जांच आज तक क्यों नहीं की गई। एक्सक्लूसिव कोयला में आपको बतला दूं कि जो सरकारी दर है उससे भी कम रेट पे उन लोगों को कोयला दिया जाता है, और ये लोग उसकी कालाबाजारी खुलेआम करते हैं। ये कुजू मंडी हो या धनबाद मंडी हो, तो अब तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ तमाम तरह से की जाएगी, और इस मामले में और भी आगे खुलासा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुजू ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस ने छापा मारा है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है फर्जी कागजात के जरिए ये कोयले का